दोस्तों, दो दिन से बिहार की राजनीति में बड़ा हंगामा था कि साहब देखिए कि प्रशांत किशोर ने कुरान की आयतें भरे मंच से पढ़ ली तो मुसलमान खुश हो गए, मुसलमानों ने तालियां बजाना शुरू कर दी और अब मुसलमान जो है वो तेजस्वी का साथ छोड़ करके प्रशांत किशोर के पीछे जो है चलना शुरू कर देगा। ये तस्वीर का बयां मैं इसलिए कर रहा हूं क्योंकि ज्यादा दूर जाने की जरूरत नहीं है, बीते दो दिन पहले का ही ये मामला बिहार की राजनीति में सामने आया जहां कुरान की आयतें प्रशांत किशोर ने पढ़ी तो मीडिया में चर्चा का केंद्र बना हुआ था। उसी बिहार की सरजमी से एक हैरान करने वाला वीडियो सामने आ रहा है जहां घर के अंदर कुरान खानी कराई जा रही थी, जहां बजरंग दल के गुंडों ने पहुंच करके हंगामा खड़ा करना शुरू कर दिया, पर किसी मीडिया ने यह दिखाना लाजमी नहीं समझा कि साहब ये घटना तो दो दिन पहले भी हुई थी और अभी भी खासतौर पर देखने को मिली है। तब चर्चा इसलिए थी कि कुरान की आयतें प्रशांत किशोर ने पढ़ी थी और अब कुरान की आयतें मदरसे के मासूम बच्चे एक घर में कुरान खानी के दौरान पढ़ रहे थे। किस तरीके से हंगामा देखने को मिला, पहले इस वीडियो पर नजर डालिए। इसके परमिशन से चालू किया इधर, हम लोग घर में ही ट्यूशन कर रहे हैं। बंद करो, बजरंग दल वाले भी आएंगे, लफड़ा होगा। आपको सूचित करने को आया है, बोले इधर ये सब मत करो, मदरसा विदरसा यहाँ पे आप लोगों का जो चालू है गलत चले। किसके परमिशन से चालू है ये? नहीं नहीं, घर में ये कैसे क्या घर में चालू है? नहीं पढ़ाऊंगा। आप लोग मना, आप लोग क्लास के नाम पे ये कैसे क्या कर रहे हैं यहाँ पे? ये पढ़ाई है, ये पढ़ाई है। यहाँ पे आए हो कमाने के लिए, आए हो तो कमाओ, खाओ, जाओ। बंद कर दो तुरंत। चलो बच्चे लोग उठो, आज के बाद में ये सब यहाँ पे नहीं मांगता है। अगर ये सब कुछ हुआ उसके बाद में फिर बोलना मत कुछ, अगर अलग ये सब चीजें के लिए आप लोग आए हैं क्या? मस्जिद में जाके उन लोग नमाज पढ़ेंगे ना, तुम इधर कहीं के लिए पढ़ा रहे हो? मस्जिद है ना उधर, इधर एरिया में नहीं बोला, हम लोग का ये होता है। जो आप लोगों का ये चालू है ये अभी ये सब बोल लो, पढ़ाई के नाम पे, क्लासेस के नाम पे जो चालू है ये कहाँ पे क्लासेस है? किधर किताब है किसी के पास? किताब रख दिया, किधर रख दिया? दिखाओ जरा किताब मेरे को, किताब दिखाओ। क्लासेस के नाम पे जो चालू है, ए बच्चे धर्म का अलग पार्ट। आपने देखा कि किस तरीके से बजरंग दल द्वारा ये हंगामा किया गया है, खासतौर पर बिहार में उस घर में पहुंच करके जहां मुस्लिम परिवार को धमकाने की कोशिश की कि भाई ये मदरसा जो है आप नहीं चला सकते, अब घर में कुरान खानी हो रही है उसके लिए प्रशासन से इजाजत लेनी पड़ेगी और कल को किसी का कोई इंतकाल होगा तो प्रशासन से उसे तदफीन करने के लिए इजाजत लेनी पड़ेगी, वरना ऐसे गुंडे खुले आसमान के नीचे आजाद घूम रहे हैं जो कभी भी किसी भी वक्त आपके घर पर आ धमकेंगे और आपके धार्मिक मामलों में टांग अड़ाने की कोशिश करेंगे। अभी तक एक हफ्ते पहले यही तस्वीर उत्तर प्रदेश से देखने को मिली थी जहां गाजियाबाद के अंदर कुरान खानी कराई जा रही एक घर में पहुंच करके लोगों ने हंगामा करना शुरू कर दिया था। अब कुरान शरीफ पढ़ने पर भी परमिशन लेनी पड़ेगी, ये सबसे बड़ा सवाल खड़ा हो गया है और चर्चा तब ज्यादा होगी कि कुरान की आयतें प्रशांत किशोर पढ़ेंगे तो मीडिया में दिखाया जाएगा, मुसलमान पढ़ेंगे तो मीडिया में दिखाया नहीं जाएगा बल्कि यह बताया जाएगा कि साहब आपको तो परमिशन लेनी पड़ेगी।